दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसी कई अदाकाराएं मौजूद हैं जिनकी खूबसूरती की मिसालें आज भी दी जाती हैं। इन्हीं में से एक एक्ट्रेस है जैस्मिन धुन्ना, यानी कि वीराना फिल्म की मेन लीड एक्ट्रेस। एक ऐसी एक्ट्रेस जिनके चेहरे पर वह चमक थी जो इन्हें भीड़ से बिल्कुल अलग बनाती थी। यूं तो हमारे बॉलीवुड में भी कई स्टार्स ऐसे हैं जो या तो अपनी पहली फिल्म से स्टार बन गए या फिर उन्होंने अपने फिल्मी करियर में एक ऐसी दमदार फिल्म में अभिनय ज़रूर दिया जिसके लिए वह बॉलीवुड में सालों तक याद रखे गए। जैस्मिन भी उन्हीं में से एक हैं। इन्होंने भी इंडस्ट्री में कुछ ही फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन अपने अभिनय का लोहा मनवा लिया था। 90 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस जैस्मिन धुन्ना ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत 1979 में आई फिल्म सरकारी मेहमान से की थी। अभिनेत्री जैस्मिन ने अपने इस करियर की शुरुआत बॉलीवुड के कलाकार विनोद खन्ना के साथ किया था। विनोद खन्ना की फिल्म सरकारी मेहमान को डायरेक्ट एनडी कोठारी ने किया था, लेकिन यह बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। इस फिल्म के बाद अभिनेत्री जैस्मिन को शर्मिला टैगोर के साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला, जिसके बाद फिल्म तलाक को भी ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इस फिल्म के बाद जैस्मिन ने कई और हॉरर फिल्मों में काम किया, जिनमें बंद दरवाजा, डाक बंगला और पुरानी हवेली जैसी फिल्में शामिल हैं, लेकिन इन्हें साल 1988 में आई फिल्म वीराना से कामयाबी हासिल हुई जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई, जिसके बाद जैस्मिन रातों रात स्टार बन गई। इस फिल्म में अभिनेत्री जैस्मिन अलग अवतार में नजर आई थी। इस फिल्म में एक्ट्रेस ने एक से बढ़कर एक बोल्ड सीन दिए थे। इस फिल्म के बाद चारों तरफ सिर्फ जैस्मिन ही सुर्खियों में थी, जिसके बाद इन्हें और भी फिल्मों में काम करने का मौका मिला था। आपको बता दें कि इनकी आखिरी मूवी वीराना थी। इस मूवी के बाद ये अचानक से गायब हो गई और इस फिल्म दुनिया से अचानक से रुख मोड़ लिया, लेकिन इनके बारे में आज तक किसी को कुछ नहीं पता चला। ये कहा जाता है कि आज ये लंदन में है और बुढ़ापे की जिंदगी जी रही है। जैस्मिन धुन्ना किस हाल में है ये इसकी जानकारी किसी को नहीं है। दोस्तों, आपको जैस्मिन धुन्ना के आज के हालातों के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।